हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैम क्या आज मैम प्रेजेंट कर दूं क्वेश्चन मैम आयशा से पूछ ले अभी तक तो कोई आया नहीं है तो कर ही दे शुरू कर दें जब कोई आएगा फिर ओके हां जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम सर मैम जी मैं अभी कांटेक्ट करने ही लगी थी मैम महा से के, पूछूं उनसे क्या उन्होंने क्लास लेनी है तो अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम तब तक आप करें फिर जब आएंगे देख लेते हैं ओके okay. ओके okay. मैं आपको अभी को होस्ट बनाती हूँ करने के लिए ओके okay. जी सर स्टार्ट कीजिएगा प्लीज ओके स्क्रीन शेयर हो रही है मैम मेरी ये सर ओके तो हम क्वेश्चन है ये हमारा के सेट मिसमैच तो इसमें क्या है स्टेटमेंट पढ़ते हैं यू हैव अ सेट ऑफ इंटीजर्स एस विच नंबर्स फ्रॉम वन टू एन unfortunately due to some error one of the number in s got duplicated to another number in the set which results in a petition of one number and a loss of another number so uh, you are given an array nums representing data status of the set after the error uh, find the number that occurs twice and number that is missing रिटर्न दैम इन दफ एनरी तो क्वेश्चन में बेसिकली ये बताया गया कि आपको uh, एक सेट दिया गया सेट uh, मीन्स के नंबर्स दिए गए वन टू एन यहाँ पर दिखाया बताया गया वन टू एन नंबर दिए गए लेट सपोज वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह हमें एक सेट दिया गया तो वो कह रहा है कि किसी एरर की वजह से ड्यू टू सम एरर एक नंबर जो है ऐसे सेट के अंदर डुप्लीकेट हो जाता है किसी दूसरे नंबर के साथ सेट में लेट्स सपोज uh, ये जो थ्री है ये डुप्लीकेट uh, uh, यानी इसकी जगह किसी एरर की वजह से ना थ्री की जगह पे टू आ जाता है यानी uh, किसी दूसरे नंबर का एक नंबर जो है वो किसी दूसरे नंबर का डुप्लीकेट हो जाता है तो इसमें बताया विच रिजल्ट इन रिपिटिशन ऑफ वन यानी कि आप देखें तो टू रिपीट हो रहा है अब और uh, uh, लॉस ऑफ एनदर यानी थ्री हम थ्री हमारे पास नहीं रहा और उसकी जगह एक और नंबर यानी डुप्लीकेट आ गया तो उन्होंने कहा है कि हमें इस तरह की डुप्लीकेट जिसमें नंबर है वो वाली एरे दी गई है नम्स के नाम से और उसमें यानी एरर वाली जो एरे है वो हमें दी गई है हमने ये देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो ट्वाइस आ रहा है यानी कौन सा नंबर जो डुप्लीकेट हो आ रहा है और कौन सा नंबर मिसिंग है यानी कि कौन सा नंबर एक्चुअली आना चाहिए आ, उस डुप्लीकेट की जगह पे तो अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे हमारा डुप्लीकेट नंबर टू है और मिसिंग जो है वो थ्री है यानी थ्री को आना चाहिए टू की जगह पे तो हमारा ये क्वेश्चन है बेसिकली तो अगर हम इस एग्जाम्पल ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने ऊपर बताई है तो इसी तरह अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल टू देखें ना तो इसमें भी यही है कि वन और वन है अब देखिए वन जो है वो डुप्लीकेट हो चुका है तो वन जो है डुप्लीकेट नंबर है तो मिसिंग नंबर हमारा जो है वो टू है तो ये हमारा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की समझ आई है अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ लें सर ये एग्जांपल नंबर वन में वन और फोर क्यों रिमूव हो गए आउटपुट में असल में असल में पता क्या हमने आउटपुट में दो चीजें देनी है दो नंबर देने हैं एज अ यहाँ पर अगर आप लास्ट टाइम देखें ना फाइंड द नंबर अकर्स ट्वाइस वन थिंग सेकंड थिंग है एंड द नंबर इज मिसिंग वो नंबर बताना है हमने जो ट्वाइस यानी दो दफा आया और वो नंबर बताना है जो मिसिंग है और उन दोनों नंबर को हमने एक एरे की फॉर्म में या वेक्टर की फॉर्म में रिटर्न करा देना तो वो बेसिकली वो दो नंबर है एक मिसिंग जी सही है लाइक मतलब ये है कि जो दो के बाद टू के बाद थ्री आना था तो वो थ्री नहीं आया और टू की जगह ना टू आ गया ऐसे है ना वो रिपीटेशन जी हुई जी है जी उन्होंने कहा है कि मसलन एक एरे है ना जिस तरह तो ना जी जी फोर को वो नहीं लेगा क्योंकि वो सिंगल टाइम है बिल्कुल उन्होंने बताया हुआ है कि एक ही ऐसा नंबर है मतलब जितने भी नंबर होंगे ना एरे के अंदर मसलन एक सौ नंबर भी हैं उन सौ नंबर में एक ऐसा नंबर होगा जो दो दफा आ रहा होगा ठीक है वो वो नंबर हमने ढूंढना है बेसिकली जो दो दफा आ रहा है एक तो ये टास्क करना है दूसरा ये करना है कि जो दूसरी दफा नंबर आ रहा है उसकी जगह पे कौन सा नंबर आना चाहिए यानी मिसिंग कौन सा है और वो हमने एक एरे की शक्ल में रिजल्ट रिटर्न कराना है जो आउटपुट है ना वो बेसिकली वो वाली एरे है हमारा बाकी एरे से कंसर्न नहीं हमें सिर्फ वो नंबर ढूंढना है जो मिसिंग है और वो नंबर ढूंढना है जो डुप्लीकेट uh, है क्लियर uh, है ये सर क्वेश्चन क्लियर है थैंक यू जी सर ओके okay. तो हम इसको मतलब किस तरह सॉल्व करेंगे हम इसको आ, इसकी फ्रीक्वेंसी काउंटिंग एल्गोरिथम लगाएंगे मतलब इस आ, जो हमें गिवन एरे हैं नम्स उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे इसका क्या मतलब है कि हम एक एक नई एरे बनाएंगे उतने ही साइज की जितना साइज हमारा यानी कि जितने साइज की हमारी एक नम्स एरे है ठीक है तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये नम्ब है तो इसमें इसके टोटल फोर एलिमेंट्स है लेट्स सपोज हम एक ऐसी एरे बनाते हैं जीरो उसमें इनिशियलाइज यानी जीरो वैल्यूल इनिशियल वैल्यू होगी यानी इनिशियली उस एरे uh, के अंदर जीरो वैल्यू तो हम रखा देंगे तो इसका साइज उतना ही रखेंगे जितना हमारा नाम एरे का साइज होगा ठीक है तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसको कोई भी नाम दे देंगे लेट से फ्रीक्वेंसी अब हम क्या करेंगे हम सबसे पहले वन को पिक करेंगे यहाँ से यानी को पिक करेंगे हमने वन को पिक किया

पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हैं हम मतलब एक पॉइंटर ले लें ले और उसको करते जाएं और इंक्रीमेंट करते जाएं एरे लेकिन वो लूप से ही बेटर है मतलब वही चीज हो जाती है ओके सर थैंक यू यानी लूप लगाएंगे हम वन टू एन यानी वन टू साइज ऑफ द एरे तो ओके सो हम सबसे पहले जो यानी वन बाय वन यानी फ्रीक्वेंसी काउंटिंग का मकसद ये है कि जितनी भी एरे के अंदर एलिमेंट्स है ना उनका हमने काउंट करना है कि मतलब वन कितनी, कितनी दफा आ रहा है टू कितनी दफा आ रहा है तीन कितनी दफा आ रहा है चार कितनी दफा आ रहा है इस तरह काउंट करना है तो उसका तरीका हम करेंगे कि पहला एलिमेंट पिक करेंगे और काउंट करेंगे उसका जो काउंट होगा ना इस वाली एरे के अंदर स्टोर कराएंगे अब हमें पता है कि ये इसके इंडेक्सेस जो नॉर्मली हम एरे के इंडेक्सेस लेते हैं इस तरह से लेते हैं टू और थ्री और अगर आप देखें तो अगर हम इसको इसकी तरफ नीचे देखें ना जीरो इंडेक्स पे तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि देखें जीरो इंडेक्स पे वन ही आएगा मतलब हम जीरो इंडेक्स पे वन स्टोर हो सकता है वन इंडेक्स पे हम टू स्टोर करा सकते हैं और टू पे हम थ्री स्टोर कराएंगे और थ्री पे हम फोर कराएंगे इसका क्या मतलब है कि हमें पता है कि एग्जैक्ट वन टू एन ही नंबर होंगे यानी कि एक स्पेसिफिक जो एरे है उसमें उत, एक मतलब एक स्पेसिफाइड रेंज होगी नंबर्स की ठीक है तो जिस तरह यहाँ वन और फोर वन मिनिमम जो फोर है वो मैक्सिमम है तो वन टू फोर है तो हम इसी तरह उतने ही साइज की जो एरे बनाई है ना उसमें हम रजूम कर रहे हैं कि जो जीरो इंडेक्स पे है ना जो फ्रीक्वेंसी काउंटिंग एल्यूसम कहता है कि आप जीरो इंडेक्स पे वन स्टोर करा लो और वन का काउंट स्टोर करा लो और वन वाले इंडेक्स पे टू का काउंट स्टोर करा लो थ्री वाले इंडेक्स टू वाले पे थ्री का काउंट स्टोर करा लो अब ये टू एक्चुअली इंडेक्स है और थ्री एक डिजिट है जो हम उसका अकाउंट जो है वो यहाँ जीरो की जगह स्टोर करवाएंगे इसी तरह थ्री इंडेक्स पे फोर का काउंट जो है जीरो की जगह पे स्टोर होगा ये बात क्लियर है ओके तो इस तरह से हम ना काउंट स्टोर कराएंगे अब आप लोग देखें तो हमारे पास सबसे पहले वन है तो अब हम वन है तो वन का काउंट हम किस जगह स्टोर कराएंगे अगर मैं यहाँ कलर चेंज कर लूँ ना तो हम वन की जगह यहाँ काउंट स्टोर कराएंगे जीरो पे इधर वन इस तरह काउंट हो जाएगा वन ठीक है अब नेक्स्ट एलिमेंट ए में हमारा टू है अब टू का काउंट किधर स्टोर होगा इधर वन वाले इंडेक्स पे उसके बाद अगेन टू है अब सॉरी यहाँ टू नहीं काउंट आना था एक्चुअली यानी कि फर्स्ट एक दफा आ गया अब अगेन टू आ गया अब ऑलरेडी टू, टू, वन था अब सेकेंड टाइम आया तो उसी में एक ऐड हो जाएगा अब अगे नेक्स्ट जो हमारा फोर आ रहा है तो हम इसका काउंट एक हो जाएगा इस तरह से तो ये इस तरह से हमारी कंप्लीट रेक खत्म हो जाएगी ये नामज वाली

स्टोर करा सकते हैं ना ये अरे का नाम और उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हम बताते हैं ये टू इंडेक्स और इस तरह कहते हैं कि इस टू इंडेक्स पे जी फ्ला वैल्यू लिखवा दो इस तरह से हम स्टोर करवाएंगे वैल्यू हम एक्चुअली इंडेक्स uh, के थ्रू एक्सेस करेंगे और इंडेक्स के थ्रू उस जगह पर काउंट स्टोर करा देंगे अब लेट्स जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास जो वो मैं अभी बताता हूँ कि किस तरह से हम इंडेक्स के थ्रू उस इंडेक्स तक पहुँचेंगे बेसिकली लेट्स सपोज अगर हमने फोर यहां से पिक किया ना नंबर में से अब ये हमारे पास है फोर हमें फ्रीक्वेंसी ये वाला जो फ्रीक्वेंसी ये रहे हैं इस एरे के अंदर इस फोर का एक्चुअल इंडेक्स क्या बन रहा है वो हमें ढूंढ रहा है तो अगर आप ये नीचे जो लास्ट में मैंने लिखा हुआ है वन टू थ्री फोर वो देखें तो वहां पर फोर क्या मिल रहा है ये और अगर फोर में से हम एक माइनस करें तो इक्वल टू आएगा थ्री तो ये इसका एक्चुअल इंडेक्स आएगा जहां हम इसका काउंट स्टोर कराएंगे तो इस वजह से हम थ्री पे आके उसका एक काउंट स्टोर करा देंगे इस तरह से वो ना हम काउंट स्टोर इस तरह से हमें इंडेक्स पता चलेगा उसका ये क्लियर है बात ये yes, ओके okay. तो इस तरह से हम काउंटिंग करेंगे उसकी जब हमारे पास काउंटिंग हो जाएगी ना तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ सर इस पे आपने जो ये आउटपुट में टू और थ्री दिया है फोर जो है वो ये थ्री के इंडेक्स पर है जी जी इस वजह से दिया आउटपुट इसका थ्री दिया है नहीं लेकिन ये बात तो नहीं जी जी अभी ना हम आउटपुट की तरफ नहीं आए मतलब अभी हमने जस्ट सिंपल क्या किया कि जो भी नम्स में डिजिट्स थे ना उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट की जस्ट अभी हमने कुछ नहीं नेक्स्ट किया अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं कि किस तरह हमारे वो आउटपुट आएगी ठीक है बाकी इसके ये जो फ्रीक्वेंसी काउंटिंग है ना वो इसी तरह से होगी ठीक है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड तो अगर हम दोबारा एक एक मिनट में लिखे तो वन काउंट वन का काउंट वन होगा और जीरो थे नेक्स्ट वन टू थ्री और आ, आगे टू आ रहा है तो टू माइनस वन वन यानी कि टू का इंडेक्स वन बन रहा है तो इसका इधर आ जाएगा काउंट इस तरह से सॉरी इधर वन आ जाएगा काउंट आगे टू अगेन अगे आ रहा है टू माइनस वन वन इंडेक्स बन रहा है इसका काउंट हो जाएगा अगेन टू फिर फोर आ रहा है फोर माइनस वन थ्री तो इसका काउंट बन रहा है इधर वन थ्री इंडेक्स पे तो इस तरह से हमारे पास ना Uh, ये जो है ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो भी हमारे नाम से में एलिमेंट्स होंगे सॉरी ये इंडेक्स है ये फ्रीक्वेंसी होगी ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम इस एरे के ऊपर इस फ्रीक्वेंसी पर एरे पे ट्रेवर्स करेंगे अगेन लूप लगाएंगे कह रहे हम दो चीज़ें ढूंढेंगे क्योंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज की थी जीरो से और आ, दो चीजें हम ढूंढनी है एक हमें मिसिंग नंबर ढूंढना है और एक हमें डुप्लीकेट ढूंढना है तो डुप्लीकेट कैसे आएगा हम वो अग, वो नंबर वो यानी के ढूंढेंगे अगर इस इसके किसी भी इंडेक्स पे यानी जीरो टू, थ्री पे किसी भी इंडेक्स पे अगर टू है टू मिलेगा तो इट मीनस ये नंबर जो है ना टू पे जो इंडेक्स आ रहा है वो देखेंगे क्या है वन और वन को प्लस करेंगे वन टू तो ये टू एक ऐसा नंबर होगा जो डुप्लीकेट है कैसे पता चलेगा काम लगाएंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी के अंदर आई पे जो भी नंबर आए वो अगर टू है तो इट मींस ये हमारा इस इंडेक्स के ऊपर जो नंबर है ना हमारा वो डुप्लीकेट है और आइथ जो भी आइथ इंड होगा ना उस आइथ इंडेक्स में हम प्लस वन करेंगे अब इन दिस केस अगर हम देखें तो इस एग्जाम्पल में हम देखें तो हमारे वन वाले इंडेक्स पे नंबर टू मिल रहा है हमें ठीक है तो वन वन को हम प्लस वन करेंगे तो टू टू इज द नंबर जो कि डुप्लीकेट है ये ये बात समझ आई है नो सर ओके okay. हमें देखें बेसिकली हमने काउंट कर किया हर नंबर को कि कौन सा नंबर कितनी दफ़ा आ रहा है ठीक है अब अगर देखें टू हमारा टू टाइम्स आ गया अगर वैसे हम देखें हम इसको अगर रे को भूल जाएं तो टू टू टाइम्स आ रहा है इट मीन्स टू इज द नंबर जो कि दो दफ़ा आ रहा है डुप्लीकेट है ऐसे ही है ना यानी देखें दो सिर्फ एक टू ही है जो टू टाइम्स आ रहा है बाकी कोई नहीं है बाकी वन भी एक दफ़ा आया है फोर भी एक दफ़ा आया है और बाकी को टू जो है वो आ, मतलब दो दफा आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमने इस तरह लिखी ना कि जीरो जो है जीरो वाले इंडेक्स पे वन काउंट हो गया वन का कैसे जीरो प्लस वन पे मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि जीरो इंडेक्स पे जो है वन होगा वन वाले पे टू होगा और टू वाले पे थ्री होगा तो इस तरह से हम उसको कर रहे हैं ना तो इसलिए थ्री का जो है वो two वाले इंडेक्स पर खा रहे हैं तो अगर हम थ्री का काउंट टू वाले इंडेक्स पर खा रहे हैं तो इट मीन थ्री जो नंबर है उसका काउंट मुझे टू इंडेक्स पे नहीं मिलेगा तो सेम चीज हो रही है कि हमें टू टू इज द डिजिट टू डिजिट का हमें जो काउंट मिलेगा वो वन वाले इंडेक्स से मिलेगा तो बेसिकली हमने चेक लगा लिया कि जनाब आप देखो आइथ इंडेक्स पे कहीं भी फ्रीक्वेंसी में आइथ इंडेक्स पे अगर आपको टू मिले तो इट मींस वो दो दफा आया है उस डुप्लीकेट है तो वो हम क्या करेंगे उसको कंसीडर कर लेंगे कि भाई ये दो दफा आया उसको uh, जो 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 भी हमारा उस इंडेक्स पे होगा ना इंडेक्स उसमें एक ऐड कर देंगे तो वो हमारा टू बन जाएगा एक ऐसा नंबर जो डुप्लीकेट आ रहा है क्वेश्चन है कोई अभी यह समझ नहीं है मैं एक बार रिपीट कर दूं एक दफा नहीं तो No, sir, आ गई है। ओके। okay. so, तो तो बेसिकली ये एक क्या किया फ्रीक्वेंसी के आई थिंक नेक्स्ट पे टू बेसिकली का मतलब कह रहे हैं कि टू काउंट है ठीक है okay. तो ये ये चीज हम फ्रीक्वेंसी आई जो है ना वो हमें ये चीज इनमें से कोई एक वैल्यू ला के फ्रीक्वेंसी आई जो है वो हमें इन चारों में से कोई एक वैल्यू ला के देगा अगर इन चारों में से फ्रीक्वेंसी आई में अगर टू मिलता है जो कि वन वाले इस इंडेक्स से मिल रहा है तो वो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा वन वाले इंडेक्स पर अगर टू आ रहा है इसका मतलब ये वन प्लस वन करेंगे तो टू एक ऐसा नंबर है जो दो दफ़ा आ रहा है एक तो ये चेक हो जाएगा दूसरा ये चेक होगा हमारा कि अगर फ्रीक्वेंसी के अंदर आई थे इंडेक्स के ऊपर अगर कहीं पे भी ज़ीरो आए तो इसका मतलब वो हमारा नंबर ऐसा होगा उसके इंडेक्स पे अब फ्रीक्वेंसी के आइथ इंडेक्स पे अगर जीरो आए तो इसका मतलब आइथ इंडेक्स प्लस वन वो हमारा नंबर होगा जो मिसिंग है अगर हम ऊपर अपनी एरे में देखें तो टू वाले इंडेक्स पर जो जीरो हमें मिल रहा है तो इट मीन्स टू प्लस वन इक्वल टू थ्री ये हमारा मिसिंग नंबर होगा तो ये कैसे प्रूफ हो रही है दोनों चेक के ये हमेशा ट्रू होंगे क्योंकि उन्होंने बताया है कि एक ही ऐसा नंबर होगा जो डुप्लीकेट होगा अगर मल्टीपल डुप्लीकेट होते हैं मे भी हमारे चेक, चेक चेंज होते तो क्योंकि एक ही डुप्लीकेट होना है, तो मस्ट है कि एक ऐसा नंबर आए एक ऐसी स्टेज आएगी जहां टू हमें मिलेगा अकाउंट और एक ऐसा इंडेक्स मिलेगा जहां हमें जीरो अकाउंट मिलेगा तो ये हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन यानी कि सलूशन था किस तरह करना है तो अब अगर कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन है आप पूछ लें कोई भी फिर तो कोड को एक दफा एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा राइट्स बिल्कुल ये अप्रोच वैसे क्लियर है बाद में हम फिर अभी कोड की तरफ चले जाते हैं जी जी सर ये क्लियर है ठीक है फिर कोड देख लेते हैं किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले तो ये कोड है हमारा तो हमने क्या किया कि सबसे पहले नम्स की एक जो हमें गिवन है रहे उसकी लेंथ निकाल ली तो ये बेसिकली सी प्लस वस में इस तरह फंक्शन नम्स स्टार्ट साइज वो हमें लेंथ दे देगा और इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेंथ के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करा ली तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें ऊपर एग्जांपल वन को अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास जो लेंथ आएगी वो फोर आ जाएगी ठीक है तो हमने उस जितनी लेंथ यानी कि नम्स की है उतनी लेंथ का एक और एरे बना ली ये वेक्टर बेसिकली कह लें कि एक डेटा स्ट्रक्चर है जिस तरह एरे होती है सी प्लस प्लस में ये डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर इसको कहते हैं ठीक है थीके? तो सेम ही चीज़ होती है ठीक है तो फ्रिक्वेंसी उसका नाम होगा और लेंथ यानी कि इसका साइज कितना होगा जितना जितनी भी हमारी लेंथ होगी यानी फोर ही इसका भी साइज होगा और इनिशियल वैल्यू जो है वो जीरो होंगी इसमें तो ये एक वेक्टर डिक्लेयर कर दिया हमने जो मैंने ऊपर बताया था अभी तो उसके बाद हमने क्या किया फ्रीक्वेंसी काउंट करना शुरू की लूप लगा के जीरो से स्टार्ट किया लूप और एंड तक चलाया लेंथ तक अब ये फॉर लूप है सी प्लस प्लस में इस तरह से हम लिखते हैं मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो जिस तरह आप रेंज लूप लगाते हैं पाइथन के अंदर सेम चीज है ठीक है ये है हमारा स्टार्ट ठीक है ये हमारा है स्टॉप और ये हमारा स्टेप है तो ये इस तरह से हो सेम चीज है बस ये स्टॉप है ये स्टेप होगा और ये स्टार्ट होगा तो इस तरह से हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और लेंथ तक जाएंगे और वन वन इंक्रीमेंट करते जाएंगे और अब ये वो है जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे वहां पे आ, ये जो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम नमज आ हमें जो है मिलेगा लेट से वन मिलता है वन माइनस वन जीरो इट मींस ये जो नम्स आई है ठीक है इसका राइट uh, इंडेक्स right आ रहा है जीरो और जीरो पे हम काउंट कर लेंगे अब जीरो इंडेक्स पे काउंट करने का मतलब ये कि हम काउंट कर रहे हैं वन एक दफ़ा आ गया लेट से ठीक है तो इस तरह से ये लूप को चलती जाएगी यानी कि अगर इसको देख लें अगर तो नम्ब आई आएगा वन वन माइनस वन जीरो इंडेक्स पे हमारा वन स्टोर हो जाएगा उसके बाद नम्ब आई के अंदर आएगा टू और टू माइनस वन आएगा हमारे पास वन फ्रीक्वेंसी में वन इंडेक्स पे वन आ जाएगा अगेन हमारे पास टू आएगा टू माइनस वन वन और फ्रीक्वेंसी के जो वन इंडेक्स पे टू आ जाएगा नेक्स्ट फोर है तो फोर माइनस वन थ्री और थ्री फोर माइनस वन थ्री और फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स पे वन आ जाएगा तो ये प्लस प्लस बेसिकली क्या करता है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये एक यानी कि इनिशियली जीरो था वो जीरो से एक इंक्रीमेंट कर देता है ठीक है ये ऐसे ही है जिस तरह पाइथन में आप इस तरह करते हैं इस तरह होता है एन इक्वल टू तो एन प्लस वन सेम चीज है ये इस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे हम वो दो चेक्स लगाएंगे। लूप चला के आ, स्टार्ट से एंड तक और अगर किसी भी इंडेक्स पे हमारे फ्रीक्वेंसी के ज़ीरो मिलता है तो इट मींस हमारा आ, जो है वो मिसिंग नंबर है और अगर हमें फ्रीक्वेंसी के आई इंडेक्स पे टू मिलता है इट मींस दैट इज़ हम, वो हमारा जो है वो डुप्लीकेट नंबर है और एक चीज़ और नोट करनी है कि हमने जब आंसर बनाना है ना अपना तो आंसर में हमने जो पहला जीरो इंडेक्स पे जो यानी जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू एज रिटर्न पे नहीं है वो हमारा डुप्लीकेट नंबर होगा यानी इस फॉर्मेट में कह लें पहले हम डुप्लीकेट जीरो इंडेक्स पे रखाएंगे और दूसरा जो हमारा मिसिंग नंबर होगा इस तरह से हम इस तरह से रिटर्न कराएंगे अगर हम इसको ऑर्डर को खराब करते हैं तो वो आंसर बेशक सही है तो वो गलत यानी कि टेस्ट के पास नहीं होगा पहले डुप्लीकेट आएगा फिर हम मिसिंग नंबर तो अगर आप देखें तो हम जीरो के इंडेक्स पे यहाँ पर जो है वो डुप्लीकेट रखा रहे हैं और फर्स्ट वाले इंडेक्स पे हम लिखा रहे हैं मिसिंग uh, नंबर तो ये हमारा कोड था क्लियर है इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन uh, है क्वेश्चन है आप पूछ लें क्लियर है सर ये अप्रोच जी सर ओके okay. तो अब मैम मैं, मैं नेक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दूं भाई और सर आप पाइथन पाइथन, 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 पाइथन पाइथन में कर ले मेरे इसको कर ले हां चैट में शेयर कर दें मैं इसका ना पाइथन का शेल एडो बना के ओ, कोई मसला नहीं है ठीक है अगर आपको इजी लगे तो आ, मैं पाइथन में कर दूंगा मुझे ना आ, आप लोग भी बताते जाना क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं किया इतना पाइथन में जी आप आगे कर, कर ले हम, हम मिलते ठीक है फिर तो ये चैट में एक भी शेयर कर लें कहानी ओके कनेक्ट अस्सलाम वालेकुम असल अगर सबको समझ आ गया है तो कोई एक रिपीट करना चाहेगा इसे कर इसको अगर पायथन में कर ले तो इसी कोड को क्वेश्चन को जैसा आपका दिल जी ओके yeah. मैम आप करवाएंगे फिर कोई शेयर करे कोड फिर देखते हैं तो बस आज डेटा स्ट्रक्चर और यूज करने हैं बस अब बताते हैं वो करेक्टली होते जाएंगे हमें सबसे पहले हम लिख रहे थे ना इधर हमें एक चाहिए फ्रीक्वेंसी के नाम से अरे या कोई भी उसी साइज के जिस साइज का हमारा नम्स है और उसके बाद हमने लूप चलाना है नम्स के ऊपर यानी ट्रेवर्स करना है और फ्रीक्वेंसी जो है वो काउंट करनी है ठीक है और थर्ड टास्क जो है वो अगेन हमने फ्रीक्वेंसी पे लूप चलाना और उसमें हमारे दो चेक्स होंगे एक होगा देखने के लिए कि मिसिंग डुप्लीकेट तो नहीं है आ, अगर फ्रीक्वेंसी के आइथ पे हमें मिले टू तो वो डुप्लीकेट होगा और अगर हमें फ्रीक्वेंसी के आइथ में मिले ज़ीरो तो वो हमारा मिसिंग होगा देन हमने एक रिटर्न करा दें बस तो इस तरह से रे होती है ना अगर मैं सही uh, मुझे आप बताते हैं कि मैंने इतना नहीं किया इसमें मैं देखा ही है बस करते काम सर कोड तो किसी को भी जनरेट करना अभी तक नहीं आता अभी तो सब सीख ही रहे हैं किसी के पास अगर कोड हो तो फिर उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे ये हो सकता है आप खुद से ट्राई करें लिखना ओके okay. बस आपने बतात, मतलब आप लोग बताते हैं ना कि सही हो रहा है लाइक सेंटेक्स वगैरह आई इन रेंज इसमें स्टेप बताना हमने स्टार्ट उसके बाद हम बताएंगे आई लेस देन लेंथ फंक्शन और नॉन्स पास कर देंगे इसको इसमें कॉम्मा शायद होती कॉम्मा कोम और इसके बाद स्टेप तो स्टेप स्विमिंग ये प्लस वन आई थिंक होगा और ये कोलन ये ठीक है नहीं सर ये सिंटैक्स स्टेप, स्टेप नहीं होगा पर ये इसमें ना वन बाई डिफॉल्ट होता है तो वो खुद ब खुद तो, हो जाएगा मतलब ये रिमूव कर दो इस तरह से जी सर बाकी ठीक है जी सर अभी तक ठीक है ठीक है तो हमने अब क्या करना है हमने फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है तो फ्रीक्वेंसी के अच्छा इसमें बाय डिफॉल्ट जीरो वैल्यू कैसे आएगी आ जाएगी मतलब इस इस तरह डिक्लेयर करने से इसका साइज उतना ही सर जवाद आयु है आप ये कोर्स शेयर किया कि मैं देखता हूँ ये कोड जो चैट में है वो पाइथन में है उसको करके देखें आप अगर वो होता है तो वही मैं कह रहा हूँ ये इंडेंट ठीक हो रहा है ना मतलब आप बता दें ताकि ए आई थिंक मैंने मिस किया थोड़ा सा ये रिमूव कर दे एग्जांपल यूसेज के बाद जो है वो रिमूव कर दे ये रिमूव कर दो जी ओके ठीक है ना ये लेंथ निकाली हमने पहले सबसे नम्स की उसके बाद आई थिंक ये बना रहा है वो उसके साइज का ही एक एरे जिसमें जीरो इनिशियलाइज हो रहा है और एक एरे जो हमारा आंसर है जिसमें इनिशियल वैल्यू जीरो है और उसके बाद लूप चला i इन रेंज अप टू द लेंथ नाम्स तक अच्छा और देन हमने ये सेम चीज आ गई और इस तरह से ये एलिमेंट लेंथ ऑफ नम जो है वो वो मेरे ख्याल से गलत लिखी है एंड एल एंड और ब्रैकेट में एनम जाएगा अह वसन में ऊपर uh, ये ऊपर uh, डिक्लेयर हुआ थी, है ठीक है ठीक है ठीक सही है तो ये हम वो uh, काउंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी एंड देन हम आई इन रेंज अगेन एंड ऑफ ना उसी क्योंकि साइज सेम होगा वही चीज यूज हो रही है उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी आई थन एक्स पे अगर जीरो मिले तो हमारा उसमें वन में हम i 1 करेंगे और ये जीरो वाला हमारा मिसिंग होगा और मिसिंग हम सेकंड पे लेके मतलब वन वाले इंडेक्स पे रखेंगे और उसके बाद हम आइथ इंडेक्स पे अगर टू मिले तो इट मीनस ये हमारा डुप्लीकेट है और वो हमारा आई प्लस वन करेंगे तो एग्जैक्ट नंबर जो है डुप्लीकेट निकल आएगा तो ये जो आई प्लस वन है ना बेसिकली समझने के एग्जैक्ट नंबर कौन सा मिसिंग है कौन सा डुप्लीकेट है वो बताएगा तो इस तरह से हम इसको रन करके देखते हैं ये सर लाइन नंबर थर्टीन पे ना इसकी इंडेंटेशन नहीं सही। ओके आह ओ सॉरी। आई थिंक ये फार के अंदर आएगा। इस तरह से। हम सही है ना? जी। जी। ऐसा okay, ही हो गया। ये पाइथन में हो गया अभी थैंक यू जिस भाई ने शेयर किया था सर ये इसमें i इज इक्वल टू टू है फ्रीक्वेंसी में जो है तो आंसर इसका जीरो होगा फिर उसमें i प्लस वन करेंगे जी फ्रीक्वेंसी i इज इक्वल टू टू का मतलब ये है कि जो भी i थी इंडेक्स है ना i थी इंडेक्स i थी इंडेक्स पे जो भी नंबर बन रहा है हमने देखा था ना कि आईथ पे नंबर uh, uh, आग, तो बन रहा है आई प्लस वन यानी जो वैल्यू है वो लेट्स बनेगा ना डिजिट बनेगा वो टू बन रहा है ठीक है तो फ्रीक्वेंसी आई का मतलब ये है कि टू वाला डिजिट कितनी दफा आ रहा है ठीक है अगर टू वाला डिजट दो दफा आ रहा है तो इसका मतलब हमारा टू वाला डिजट ही होगा ना जो डुप्लीकेट आ रहा है तो इसलिए हम I में प्लस वन इधर कर रहे हैं ताकि हमें टू मिल जाए जो दो दफा आ रहा है और फिर उसको आंसर में जीरो वाले पे रखा रहे अच्छा ये आ, आप आपने दो लूप चलाए हैं वैसे मैंने एक लूप में किया हुआ है लास्ट मैंने से किया आपने एक ही लूप में मैंने कर लिया है जी क्या लेकिन फर्क नहीं पड़ता उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी तो फर्क नहीं पड़ता हां बिल्कुल वो हम कर सकते हैं इसको उस तरह से भी उसी में हम लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कि आपका कंप्लीट सबमिट हो गया वैसे हां जी आपने बिल्कुल मैंने कोड भेजा देखे है देखें आप ओके okay. बाकी वैसे क्वेश्चन है अगर किसी का कोई तो पूछ सकते हैं आप तो तो आपने काउंटर नाम यूज किया वो वो... वो है डिक्शनरी है डिक्शनरी जो है ना वो एक डिक्शनरी बना देता है उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो सबकी फ्रीक्वेंसी उस पर आगे लिख देता है अगर टू दो दफा आ रहा है तो उसके आगे जो है वो टू लिख देगा उसके वैल्यू ही उसकी टू होगी और वैल्यू उसकी टू हो जाएगी सही है तो वो बेसिकली जो आपने उस तरह तो काउंटर से किया ना तो वो बेसिकली ये लूप कर रहा है इधर सेम चीज है हाँ वही सही बात है बिल्कुल सर जवाब आप इसको एक्सप्लेन कर दें कोड को थोड़ा सा अपने वाला या भाई वाला नहीं आप जो आप कह रहे हो अच्छा च, च, चले पेस्ट करें जरा क्या नाम है आपका इनाम भाई ओके एक मिनट आई थिंक मुझे सिर्फ वो काउंटर कॉपी कर लो या बाकी सारा ले काउंटर कॉपी कर दें बा, और बाकी दो इंडेक्स वाली वो आंसर की रे बना दें बस जीरो जीरो आपने बनाई भी है वो बनी हुई, बनी, हुई, बनी हुई है बनी हुई है ऊपर काउंटर डाल दें स... और वो लेंथ वाला वो हटा देंगे क्योंकि मैंने जो है वो वन से लेके लेंथ नाम्स तक वो किया है तो उसको आप भले वो कर दें रेंज में फोर आर रेंज को लेंथ हाँ इसको आई आईएन रेंज को जो है ना वन कॉमा लेंथ नाम्स प्लस वन करते हैं हाँ यहाँ आप कह रहे हैं आईएन रेंज हाँ इसको वन कॉमा वन कॉमा लेंथ प्लस वन कर दें हम्म mm ये बात असल में ना वही होगी वैसे ठीक ठीक है है, है अब हाँ जी बाकी बाकी और बाकी फिर मैं जो हूं, मैं, पहले कर रहा हूं आ, मैं 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 जो पहले कर कर रहा आप, रहा कि प्लस प्लस नहीं आपको जाहिर करना क्योंकि आपने जीरो से स्टार्ट किया हुआ इसलिए यहाँ से आप पहले हटा दें तो ये आप आ, तो बस ये बेसिकली यही हो रहा है कि, अच्छा अब ऊपर जो है ये आ, और मैं जो हूँ वो answer की उसमें वो कर रहा हूँ तो इसमें क्या हो रहा है कि जो काउंट्स वाला है वो गया भाई एनोटेट ये ये हाँ तो इसमें बेसिकली ये काउंट जो है ना ये डिक्शनरी बनाता है डिक्शनरी डिक्शनरी में होता है कि अगर वन जो है वो दो दफा आया है तो यहाँ पे टू आगे लिख देगा वो अगर टू जो है वो तीन दफा आया है या एक दफा आया है तो उसके यहाँ पे वन आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर एक दफा वन आया है सही है तो फिर हम लोग ये वन से लेके लेंथ नम्स तक जो है हम लोग वो इसलिए कर रहे हैं <laughs> ताकि जो है हम लोग क्योंकि उस हमको पहले ही बोला है ना एक तो भाई आ, रेक के अंदर जो आइटम्स होंगे वो वन से स्टार्ट हो रहे होंगे मतलब वो जीरो नहीं होगा उसमें सही है तो वो वाली बात के लिए हम लोग ये कर रहे हैं वन से स्टार्ट कर रहे हैं उसको ताकि हमारी पहली वैल्यू आई की जो है वो वन आए जीरो नहीं आए सही है फिर हम लोग की जो आ, हम लोग हर दफा चेक कर रहे हैं कि भाई हमारे डिक्शनरी के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहली इस ऑप्शन के पहले एक्स वाले एग्जाम्पल में जब सबसे पहली दफा वन उठाएगा वो तो हमारे पास वो चेक करेगा कि हमारी जो डिक्शनरी है अकाउंट्स वाली उसके अंदर वन के ऊपर क्या पड़ा हुआ है तो अगर वन के ऊपर जो है वो जीरो पड़ा हुआ होगा तो फिर जो है हम लोग का जो आंसर का अच्छा किसी ऊपर नीचे हुआ हुआ है अ, मैंने खैर एक ही बात है तो अगर वन के ऊपर जीरो पड़ा हुआ होगा तो हम लोग ने जो है ना उसको आंसर के जीरो वाले उस पर डालना है अच्छा यहाँ पे वो, वन पे अगर जीरो नहीं पड़ा होगा मतलब अगर वन पे टू पड़ा होगा यहाँ पे ना क्योंकि मैं मैं ऊपर नीचे मैंने बता दिया आपको सॉरी सही है और अगर वन के ऊपर जो है काउंट्स फिर हम लोग आगे निकलेंगे टू देखेंगे सही है यहाँ पे हमारी आई आई की वैल्यू टू हो जाएगी फिर हम लोग काउंट्स टू पे देखेंगे काउंट्स टू पे क्या पड़ा हुआ है काउंट्स टू पे जो है अगर दो पड़ा हुआ है मतलब वैल्यू मतलब उसका मतलब है कि वो लिस्ट में दो दफा आ चुका है तो फिर जो है हम लोग उसकी यहाँ पे उसको डाल देंगे उसकी वैल्यू को मतलब जो भी आय चल रहा है आय की वैल्यू को सही है और ऐसे करके हम लोग अपना पूरे उसमें गुजरते जाएंगे और अपनी इस आंसर वाली लिस्ट को अपडेट कर देंगे ठीक है तो अच्छा अब इसमें आ, ये उसने हमको बताया हुआ है कि <coughs> नम्स की लेंथ जो है वो मिनिमम टू होगी हो होगी सही है तो इसलिए हमने आंसर वाले इसको यहाँ पे टू रखा सही है तो ये स्टोरी है जी सर थैंक यू यस सर वी हैव ओनली सिक्स मिनट्स तो फिर इसी को डिस्कस करें अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वही वही ले लें अब और तो करने का टाइम नहीं है अभी मैम एक और क्वेश्चन मैं इधर कर, ले, कर, कर, ले, कर लें क्वेश्चन अभी रीड कर लेते हैं फिर नेक्स्ट डे कर लेंगे उसका चले ऐसे हाँ वो कर लें फिर ठीक है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एड स्ट्रिंग्स तो इसमें क्या लिखा है कि गिवन टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नम्स एंड नम्स टू रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रिंग रिटर्न सम ऑफ नम्स वन एंड नम्स टू एज अ स्ट्रिंग यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग एनी बिल्ट इन लाइब्रेरी हैंडलिंग लार्ज इंटीजर सच एज बिग इंटीजर यू मस्ट नॉट आल्सो कन्वर्ट द इनपुट टू तो बेसिकली यहाँ क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि आपको दो नंबर दिए गए नम वन और नम टू के नाम से और वो इंटीजर टाइप नहीं उनकी है उनकी टाइप है स्ट्रिंग जिस तरह यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है दोनों नंबर स्ट्रिंग है हमने उन दोनों नंबर को सम करना है ठीक है और सम करके जो रिजल्ट आएगा जिस तरह अगर वन ट्वेंटी थ्री और अलेवन को सम करें तो हमारे पास वन थर्टी फोर आता है तो हमने जो वन थर्टी फोर आएगा वो वो भी एज अ स्ट्रिंग रिटर्न कराना है ठीक है और वैसे तो अगर हम देखें तो हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जिसे हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उन्होंने यहाँ क्लियरली बताया कि आप लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते कोई भी बिल्डिंग लाइब्रेरी फंक्शन ना ही हम लार्ज अगर इनपुट है उसको हैंडल करने के लिए यूज करेंगे और ना ही हम कन्वर्जन के लिए यूज़ करेंगे तो विदाउट एनी लाइब्रेरी फंक्शन हमें उस दोनों नंबर को साम करना, और करना तो है और रिजल्ट रिटर्न कराना तो क्वेश्चन क्लियर है सबको जी सर क्लियर है ओके तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे हम जिस तरह नॉर्मल मैच करते हैं ना तो उस तरह से हम देखें इसको लेट से अगर हमारे पास ये नंबर है वन टू थ्री वन ट्वेंटी थ्री एंड हमें इसको एलेवन को ऐड करना है इसमें ठीक है तो हम थ्री प्लस वन करते हैं फोर टू प्लस वन करते हैं थ्री और वन तो सेम हम करेंगे काम ठीक है अब आपके माइंड में शायद एक कुछ आ रहा हो कि हम किस तरह से करेंगे तो एनीवन अगर आप इस तरह गैस कर रहे हैं कि हम इस तरफ से स्ट्रिंग को रीड करें यानी इस तरफ से इस तरफ रीड करें और इस स्ट्रिंग को भी इस तरफ से इस तरफ रीड करें और यहाँ से थ्री पिक करें और यहाँ से वन पिक करें इस तरह यहाँ हो रहा है ठीक है सेम उसके बाद हम टू पिक करें और यहाँ से वन पिक करें यहाँ पे आप देखें टू और वन उन दोनों को ऐड कर लें अब जब हम पिक करेंगे थ्री को और वो हमारे पास एक इंटीजर नहीं होगा वो बेसिकली एक करेक्टर होगा ठीक है हम उस करेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं टाइप कास्ट कर सकते हैं ठीक है पहले हम थ्री को पिक करेंगे जब थ्री हमारे पास एक करेक्टर के तौर पे आएगा हम इसको टाइप कास्ट करेंगे इंटीजर में ठीक है एज इंट उसके बाद हम इधर से भी वन पिक करेंगे उसको भी टाइपकास्ट करेंगे और उन दोनों नंबर्स को हम फिर एड करके जो रिजल्ट है उसको अगेन करेक्टर में टाइपकास्ट करेंगे और अपनी स्ट्रिंग में ऐड करा देंगे अब बेसिकली हम इस तरह से सारा काम करेंगे अपना थोड़ा सा मैं इसको एक दफ़ा क्लियर दोबारा कर देता हूँ हम हम एद, अपनी जो स्ट्रिंग्स है ना हम उनको ट्रेवर्स करेंगे इधर से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ठीक है दोनों को यानी कि दोनों के एंड से स्टार्ट होंगे एंड से हम एंड से क्यों स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि हमने वो फॉर्म देखा बेसिक मैथ जिस तरह कर रहे हैं हमने वैसे ही करना है सोल्व इसको ठीक है तो हम एंड से शुरू करेंगे अब क्वेश्चन ये आता है कि लेट्स से हमने एंड से शुरू किया थ्री गेट कर लिया इधर से वन गेट कर लिया फिर नेक्स्ट हमने टू गेट कर लिया फिर हमने वन गेट कर लिया अब हमने इधर से वन गेट किया तो अब वन आ गए तो इधर है ही नहीं तो क्या ऐसी होगी कि हम आ, किस तरह से यानी इसको मैनेज करेंगे हम इस तरह करेंगे कि हम इन दोनों के लिए सेपरेट एक इटिरेटर रखेंगे मतलब जिस तरह आई होता है वो इटीरेटर होता है हम दोनों के लिए सेपरेट इटीरेटर रखेंगे और हम लूप चलाएंगे और लूप हमारा कब ब्रेक होगा जब एक जब एक जो स्ट्रिंग है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी तो इन दिस केस तो वन वन जो है वो स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी पहले ठीक है तो तब हम लूप ब्रेक करा देंगे फिर हमारा ज आ, लूप तो ब्रेक किया होगा जब लूप ब्रेक करेगा तो उसमें वन टू थ्री वाले में हमने ये तो विजिट कर लिए होंगे जबकि ये हमारा रिमेनिंग रहता होगा ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे अगेन हम ना अगेन हम लूप लगाएंगे इसके ऊपर ताकि हम रिमेनिंग को भी विजिट कर लें ठीक है तो फिर हम अगेन लूप लगा के रिमेनिंग को विजिट करके तो प्रोसेस करेंगे अब बेसिक प्रोसेस करना क्या है कि हमने पहले करेक्टर को गेट करना है ठीक है ये समय ने एक करेक्टर है इसको टाइपकास्ट करेंगे टू इंट इंट